तो आज हमने बनाई थी शादियों में बनने वाले फूल मखाने और खोए की सब्जी, बिल्कुल शादियों वाली स्टाइल के अंदर ऐसे बनती है, वो भी बिना लहसुन प्याज के। और देखिए क्या बढ़िया रंगत आई हुई है और बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए क्या ग्रेवी है, एकदम बढ़िया, बहुत आसान तरीके से बनाई है और बहुत जल्दी से बन जाती है रेसिपी। और इसमें मैंने काजू वगैरह भी डाले हैं, जैसे उसमें डालते हैं लोग शादियों में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलते किचन में बनाते हैं फूल मखाने खोए की सब्जी एक छोटे से इंट्रो के बाद। खोया और मखाने की सब्जी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई रखी है, गैस ऑन करते हैं और डालते हैं इसमें रिफाइंड ऑयल। दो टेबल स्पून के करीब डाला होगा मैंने, गर्म होने देते हैं इसको। तेल हमारा गर्म हो गया था, एक छोटा चम्मच जीरा और कुछ खड़े मसाले लिए मैंने, एक मोटी इलायची ली है, थोड़ी सी खोल दी मैंने, दो छोटी इलायची है वो भी खोल दी मैंने, दो लौंग डाल रहा हूँ और कुछ काली मिर्च के दाने हैं, एक तेज पत्ता है तोड़ के और दो सूखी लाल मिर्च। क्रैकर होने देते हैं, जीरा खड़े मसाले हमारे भुन गए अच्छी तरह से, तो मैं कूट के अदरक और हरी मिर्च लिए, कूट के फ्लेवर जो आता है वो अलग आता है पीसने से या साबुत करने से, तो मैंने कूट के डाली है, आप भी कूट के डालिएगा। साथ ही मैं थोड़े से धनिया की जो जड़ होती है वो डाली है मैंने, थोड़ी सी दो तीन टहनियाँ, उससे फ्लेवर अच्छा आता है। अदरक और हरी मिर्च का कच्चापन चला जाए तब तक भुनेंगे इसको। और ये सब्जी बन रही है बगैर प्याज और लहसुन के, तो मैं इसमें तीन मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी डाल रहा हूँ, अच्छे यहाँ से इसको भुनेंगे इसके साथ, तो जब तक इसमें से तेल अलग ना हो जाए। ऐड करते हैं थोड़ा पानी, जो जार के अंदर टमाटर की प्यूरी थी वो निकल जाए। साथ ही ऐड करते हैं कुछ मसाले, आधा छोटे चम्मच हल्दी, 1/4 कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, मैं हींग का पानी डाल रहा हूँ उसमें। आप चाहे पहले ड्राई हींग भी डाल सकते हो। रंगत के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आंच मैंने हल्की कर दी है और इसको कवर कर देता हूँ, कवर करके मसाले को भुनेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। चेक करते हैं, मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, तेल छोड़ दिया है इसने, तो उसमें डालते हैं हम पहले 1 कप दूध डाला मैंने, थोड़ा गर्म था ये, इससे रिचनेस आ जाएगी और अच्छी अच्छी तरह से को पकाएंगे। क्या बढ़िया रंगत आई हुई है ग्रेवी में, साथ ही मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रहा हूँ, फ्लेवर आ जाए इसके अंदर भी कसूरी मेथी का भी। साथ
साथ में इसमें डाल देते हैं अपने फूल मखाने, ये रोस्टेड हैं, एक कप के करीब मैंने डाले हैं। अच्छे यहाँ से इसको भी पकाएंगे। ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो गई है डालने के बाद, तो इसमें थोड़ा सा मैं गर्म पानी ऐड करूँगा। अभी मैं एक कप के करीब डाल रहा हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा और ऐड कर लूँगा कि बड़े बड़े गाढ़ी भी हो जाएगी। और वैसे ही थोड़ी अच्छी सी गाढ़ी अच्छी लगती है। और इसमें अब नमक ऐड करते हैं स्वाद अनुसार नमक, अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। एक दो मिनट तक इसको ऐसे ही पकाएंगे मीडियम आंच पे। लास्ट में डालते हैं थोड़ी सी चीनी मिठास के लिए, काफ़ी होएगी। और फुल मखाने की खोए की सब्जी हमारी रेडी हो गई है सर्व के लिए। ऊपर से डालते हैं फ्रेश कटा हुआ धनिया, और सर्व कीजिए इसको पराठे के साथ, चपाती के साथ, राइस के साथ। आई होप आपको मेरे बनाए फुल मखाने खोए की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और गार्निश कर रहा हूँ मैं फ्राई काजू के साथ। आप भी बना के एंजॉय कीजिए और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।